आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर लखनऊ से है, जहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। आपको बता दें कि इस अहम बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं बैठक में फरवरी 2023 के इन्वेस्टर समिट के लिए भी प्रस्ताव पास हो सकते हैं। बता दें कि लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और इस दौरान निकाय के गठन और परिसीमन पर भी फैसला हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवांशु का रुख करेंगे। विवांशु, लखनऊ में लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी बेबी, आपको बताया कि आज उत्तर प्रदेश के जो लोक भवन है वहां योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जो भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित है वो सभी की आज बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर, प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2.0 सरकार है, उसमें लगातार तमाम जो लोक संकल्प पत्र है उसमें किए गए वादों को जमीन पे उतारने के लिए, साथ ही साथ जनता को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में अगर देखें तो हर एक महीने में 2 से 3 कैबिनेट बैठक करके कहीं ना कहीं योगी सरकार जो तमाम वादे है उसे जल्द से जल्द पूरा करने में लगी हुई है। उसी को मैं आपको बताया कि आज लोक भवन के अंदर में 11 बजे कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी, जिस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अगर बात की जाए तो निकाय पर सीमन, ई वकील एक्ट, ऐसे तमाम जो नीतियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी। वही मैं भी आपको बताया कि 2023 के जनवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें देश भर के, आपने देखा इन्वेस्टमेंट समिट पे जहां देश भर के उद्योगपति आकर उत्तर प्रदेश में निवेश की बातें किया करते थे, तो अब योगी सरकार कहीं ना कहीं उसमें एक इंपैक्ट दिखने के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करके और विदेशों से भी कहीं ना कहीं निवेशकों का बाजार सजाना चाहती है और उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी है उसको 1 लाख करने की जो लक्ष्य रखा गया है, उसी क्रम में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 1 मिलियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। आपको बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए अभी से ही मुख्यमंत्री विदेश जाकर वहां से नीतियों को बनाएगा और अगर देखें तो तमाम उद्योगपति हैं विदेशों के अंदर में, उनसे विचार विमर्श करके अब उत्तर प्रदेश में उनके काम को, उनके जो उद्योग हैं उनको लगाने का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। जी मयूरी। जी मयूरी। विवांशु, कहा गया है कि बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जी आपको बता दें कि तो इसमें कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिन पे मुहर आज लग सकती है? जी मयूरी, आपको बताया कि ई वकील नीति हो या निकाय के गठन के परिसीमन का फैसला हो सकता है, साल के अंत में निकाय चुनाव है, साथ ही साथ कहा देखा जाए तो सभी राजनीतिक दलों के लिए कहीं ना कहीं ये अहम चुनाव होगा, क्योंकि 2024 से पहले इसे माना जा रहा है कि ये सेमीफाइनल तैयार है। तो अब देखें तो नगर विकास विभाग यानी कि एक देश है जो प्रदेश के, अगर देखें तो नगर विकास मंत्री है, साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री है, जो लगातार प्रदेश की पैटर्न को लेकर तमाम दावे वादे कर रहे हैं। उसी क्रम में देखा ही जाएगा कि कुछ ऐसे नए वार्ड बनाने की भी प्रक्रिया की जाएगी जिससे प्रदेश की जो विकास है उसमें रफ्तार आ सके। साथ ही अगर देखें तो ई वकील नीति पे भी कहीं ना कहीं प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो प्रदेश के अंदर में अब हर एक जगहों पर जहाँ प्रदेश के केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी लगातार कह रहे हैं कि ई वकील को प्रमोट किया जाए, उसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश सरकार भी
उनकी नीति पर, इस पर विचार विमर्श करके और कैसे जो तमाम मोटर वकील एक्ट होते हैं उसमें ई वकील को भी ले आए और उसको कैसे बढ़ा सके उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के लगभग 200 से अधिक गांव में बाढ़ ग्रस्त हो चुका है, बाढ़ आया हुआ है। तो मुख्यमंत्री आज 5 जिलों का दौरा करेंगे और साथ ही आपको बताया कि कुछ राहत पैकेज भी देने की बात कही जा सकती है आज की बैठक में, क्योंकि अगर देखें तो मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन से लेकर और जो बाढ़ प्रबंधन के तमाम अधिकारी हैं उनको निर्देश देकर और जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की बात कह रहे हैं और आज मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं बाढ़ ग्रस्त इलाकों का। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज के कैबिनेट की जो बैठक है 11 बजे उसमें किन किन अहम प्रस्तावों को पारित किया जा रहा है और जो तमाम पैकेजों की बात की जा रही है उसमें क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। जी विवांशु, ये जो कैबिनेट की बैठक है क्या इसमें 2024 के चुनाव को भी देखते हुए कोई रणनीति तैयार की जा सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसमें अगर देखें तो कोई ऐसी रणनीति तैयार करने का काम नहीं होगा क्योंकि ये भाजपा के घटक दल का कैबिनेट है और ये एक राजनीतिक दल का बैठक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट बैठक है। तो कहीं ना कहीं देखे तो निकाय चुनाव को लेकर जो प्रशिवन की बात हो रही है उसमें नगर विकास मंत्री AK शर्मा के समक्ष, वो योगी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्ताव को रख सकते हैं, बल्कि अगर देखे तो ये राजनीतिक बैठक नहीं, ये प्रदेश की जो कैबिनेट है, जो प्रदेश के मंत्रिमंडल है उसकी बैठक है और इसमें तमाम दल के। वही अगर बात की जाए तो अपना दल से देखें तो अपना दल के नेता होंगे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो प्रदेश का विकास उसमें रफ्तार लाने के लिए ये कैबिनेट बैठक है और जो अहम प्रस्ताव है उसको पारित करने के लिए बैठक होगी। अगर बात करें तो निकाय चुनाव साल के अंत में है और निकाय चुनाव के जो परिसीमन करके नए वार्ड बनाने की क्रिया है उसपे नगर विकास मंत्री अपना प्रस्ताव रख सकते हैं और मुख्यमंत्री उनको अपनी हावी भर के आगे बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेमौसम बारिश के बाद मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से डेंगू समेत कई बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एक नज़ारा कल्याणपुर इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां शिकायतों के बाद भी लखनऊ नगर निगम आंखें मूंद कर बैठी है और कोई बड़ी घटना होने का इंतजार कर रही है। आपको बता दें सिर्फ कल्याणपुर क्षेत्र में पिछले 48 घंटों में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी मंडलीय चिकित्सा अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश भी दिया है कि मौसम और विलंबित वर्षा को देखते हुए सतर्क रहें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, राजधानी में डेंगू का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। डेंगू के जो मामले बढ़े हैं लगातार, इधर मैं आपको बता दूं कि 8 दिनों में करीब 239 मामले डेंगू के बढ़ गए हैं लखनऊ शहर में और जिस तरीके से ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है डेंगू का, ऐसा लगता है कि लगातार कई अस्पताल में मरीज भर्ती हुए हैं। मैं जानकीपुरम की अगर बात करूं तो जानकीपुरम क्षेत्र में भी काफी मरीज डेंगू के पाए गए हैं। जैसा कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सभी CMO और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जहां पे डेंगू के पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं वहां सावधानी बरती जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए, उनके बीमारी की समस्या के लिए, उनका रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये डेंगू जो पनपने का कारण है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी गंदगी है, ये पूरा गंदगी का हरा मार लगा हुआ है यहाँ पर।
रितेश, जहां एक तरफ डेंगू इतनी तेजी से फैल रहा है, वहीं नगर निगम की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्या कारण है इसका? मैं आपको बता दूं कि नगर निगम अपनी जो कार्यशैली है उससे पता नहीं क्यों पीछे पड़ गई है। किसी भी तरह का साफ सफाई का कोई जिम्मा नहीं उठा रही है। आप मेरे पीछे देखिए कि ये जानकीपुरम का पॉश इलाका है, यहाँ पर लगभग रिहायशी इलाके, आप अपार्टमेंट देख रहे होंगे, लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा अपार्टमेंट उधर बनाए गए हुए हैं, ये सब रिहायशी इलाके हैं, यहाँ लोग रहते हैं। इसके पीछे आप देखिए कि कितने जलभराव यहाँ पे है, आप देख लीजिए मच्छर यहाँ से कैसे पैदा हो रहे हैं, कूड़ा का डंप यहाँ पे बना हुआ है, जबकि यहाँ से हजारों लोग निकलते हैं स्कूल से, और ये जानकीपुरम गार्डन का रिहायशी इलाका है, निवासी है, अब उनसे भी आप बात कराएंगे। मैं अभी उनसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये कौन सा इलाका है और यहाँ इस तरह की गंदगी का अंबार कैसे बना हुआ है। मैं बात करना चाहूंगा हमारे साथ इस एरिया में रहते हैं निवेश शर्मा, हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ समस्या है, किस तरीके की मच्छर जनित है। सबसे बड़ी समस्या तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हम लोगों के सामने क्रिएट करके रखी हुई है। यहाँ करीब 5 अपार्टमेंट बने हुए हैं, ये जानकीपुरम विस्तार एरिया है सेक्टर जे का, और यहाँ ये जो विकास प्राधिकरण है यहाँ पर किस तरीके का विकास कराया है ये सामने आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर पहले यहाँ भट्टा हुआ करता था, उस भट्टे को की जमीन ये मिट्टी निकलवाने के बाद में यहाँ पर ये गड्ढा बन गया है, उसको पटाया तक पाटा तक नहीं गया है। और हम लोग पीछे सरस्वती अपार्टमेंट है, जनेश्वर है, सुलभ आवास है, सरगम अपार्टमेंट है, स्मृति अपार्टमेंट है, यहाँ के लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और ये बार बार हम लोग उनके सामने पहले से 3 साल से लगातार कहते चले आ रहे हैं कि भाई इसका निवारण कराइए, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी जिम्मेदारियों का ठीकरा सीधे सीधे उठाकर फाड़ दिया, दे दिया है सारा भार नगर निगम के अधिकारियों पर। अभी यहाँ पे क्या समस्या हो रही है, जो जल भराव की स्थिति बनी है जिससे डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं, उसके लिए कोई शिकायत आपने कहीं किसी अधिकारी को क्या सुनी गई, क्या सुनवाई गई? लगातार शिकायत की जा रही है, नगर निगम में भी की जा रही है, और लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी बार बार लिखकर दिया जा रहा है कि यहाँ पर फॉगिंग कराई है या एंटी लार्वा का छिड़काव कराई है। तो 2-3 दिन के लिए यहाँ पर उन्होंने भेजा था, उसके बाद में बंद कर दिया। तो क्या 2-3 दिन के बाद में लार्वा नहीं होगा, 2-3 दिन के बाद में आदमी क्या ठीक होकर चलने लगेगा? यहाँ पर ये एक सोचनीय बात है कि जिस समय पर हम लोग उनको बताते हैं तभी वो कोई कार्य करते हैं, अपनी तरफ से वो कोई ऐसी योजना नहीं लेकर आते जिससे कि हम लोगों को कुछ यहाँ पर राहत मिल सके। बार बार हम लोग जितने भी यहाँ के आवंटी हैं या जो निवासी हैं बार बार इस बात को उठाते हैं, बार बार कहा जाता है, और एक सबसे प्रमुख बात यह है कि यहाँ के जो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे नगर निगम के हों या लखनऊ विकास प्राधिकरण के हों, जब भी मंडलायुक्त महोदय का दौरा होता है तो वो ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है या कुछ थोड़ी बहुत ही कमियां होती हैं जिसको वो पूरी करा देते हैं। आज तक दौरा यहां पर सेक्टर जे में किसी भी अपार्टमेंट का मंडलायुक्त महोदय द्वारा नहीं किया गया और ना ही लाने की कोशिश की गई है। मेरा करबद्ध आपके माध्यम से एक अनुरोध है कि मंडलायुक्त महोदय यहाँ पर जरूर इसका निरीक्षण करें, क्योंकि यहाँ जो गंदगी के बीच में हम लोग रह रहे हैं इससे हमको निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले भी कोरोना के काल में हम लोगों ने आपसी सामंजस्य बिठाते हुए आवंटियों ने ही सारे काम किए थे प्राधिकरण के द्वारा। अभी ये जो जितना ये जो यहाँ पे जलभराव पीछे हमारे दिख रहा है, आप बिल्डिंग के पीछे दिख रहा है, यहाँ पर ये जो स्थिति बनी हुई है इसके लिए अधिकारियों ने कोई सीध ली, कोई अभी तक आया, कोई एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज भी मैंने सुबह यहाँ के SFI हैं उनको मैंने फोन करके बताया कि भाई पीछे गंदगी हो रही है, और यहाँ मतलब कोरोना काल भी हम लोगों ने देखा है और डेंगू का इस समय प्रकोप बहुत तेजी से है। मेरे को तो लगता है कोरोना जो है उसको मतलब उसने अपना कुछ वेरियंट ने कुछ अपना रूप चेंज कर लिया है जो डेंगू के रूप में हम लोगों के सामने है। इस पर सबसे ज्यादा हम लोगों को चिंता करने की बात है, मैंने उनको बोला है तो आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी सफाई कराते हैं। अगर ये नियमित सफाई होती रहे, यहाँ पे कूड़ा करकट ना पड़े, तो ये इस तरीके की जो समस्या है वो नहीं आएगी। अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के हो, चाहे जिम्मेदार अभियंता हो, या यहाँ के नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो भी सुनने को तैयार नहीं। अब देख रहे हैं कि हमारे साथ स्थानीय निवासी विवेक शर्मा बात कर रहे थे, ये पीछे सृष्टि अपार्टमेंट में इधर इनका निवास है। इन्होंने बताया कि ये जो यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे जल भराव पूरे बरसात में है, काफी मच्छर यहाँ पे है जिससे फ्लैट के निवासियों में भी वहाँ मच्छर पहुंचते हैं और काफी लोग बुखार से भी पीड़ित हैं। वहाँ पे जानकीपुरम क्षेत्र ये गार्डन कहलाता है और लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है। भारी यहाँ जो कमियां देखने को मिल रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा ये पूरा ग्राउंड है और यहाँ पे इस तरीके से रिहायशी इलाके में जल भराव की समस्या बनी हुई। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए।
सुल्तानपुर में बीते दिनों विसर्जन यात्रा के दौरान हुए बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इस मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार कर एक साथ जेल भेजा। साथ ही जिला प्रशासन ने इस मामले को मदरसा संचालन समेत 5 लोगों को नोटिस भेजकर अवैध अतिक्रमण हटाने और जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई से अराजकता फैलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई को कुछ लोग एक तरफा बता रहे हैं। इनकी माने तो बवाल दोनों तरफ के लोगों ने किया, लेकिन कार्रवाई एक तरफ से की जा रही है। इसी को लेकर दूसरे पक्ष के संभ्रांत लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोग मालूम हुई तो तश्वीश हुई कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होना चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरके की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियाँ एक तरफ से हुई है, FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है। इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं, वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं जाकर के अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीतुल उलमा का ये वफद आया हुआ है DM साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उन लोग उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, सुल्तानपुर में बीते दिनों विसर्जन के दौरान एक बड़ा बवाल सामने हुआ था, अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की है, क्या पूरा मामला था? जी बिल्कुल, आपको बता दें बीते 10 तारीख को ये घटना है रात की। यहाँ पे सुल्तानपुर में अगर हम बात करते हैं धार्मिक कार्यक्रम, दुर्गा पूजा हो गया या नवरात्रि हो गया, कोई भी तो धार्मिक कार्यक्रम त्योहार आते हैं, प्रशासनिक जगह जगह पे मुस्तैद हो जाती है धार्मिक कार्यक्रम को लेकर। और इसके अलावा भी हम आपको बता दें सुल्तानपुर का ऐतिहासिक रूप से दुर्गा पूजा मनाए जाने वाला त्योहार, जो प्रशासन लगातार जो है इसकी अपेक्षा भी लोगों से किया था, आप लोग कोई भी क्राइम नहीं करेंगे, कोई भी अफवाह नहीं फैलाएंगे, कोई भी घटना को अंजाम नहीं देंगे, शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग त्योहार मनाएंगे। वही दूसरी तरफ बल्दी राय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गाँव की घटना है, ये जिस तरह वारदात घटना सामने आई, लगभग दर्जन लोगों की घायल होने की संभावना इसमें भी बताई जा रही है, यहाँ तक नहीं आग भी जलाई गई है। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर, मुस्लिम समुदाय का ये कहना है सुल्तानपुर में आके जिलाधिकारी से वार्ता किया उन्होंने, एक पक्ष पर आप दबाव बना रहे हैं, दूसरे पक्ष को भी आप देखिए, उस पर सुनिए कहाँ कैसी कौन गलती है और कहाँ से इतनी बड़ी वारदात हो रही है। अगर दोनों की तरफ का मामला आता है इस तरह सामने, आप दोनों पे ही कार्रवाई करिए, किसी एक पर नहीं, ये उनका कहना हो रहा था। जी आशुतोष, इस मामले में 32 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो क्या इसमें एक ही समुदाय लोग के में 32 लोगों की गिरफ्तारी की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें ऐसा पूरा खुल के कोई मामला नहीं आया अभी। अभी फिलहाल प्रशासन लोगों को ढूंढ रही है और नोटिस भी जारी कर रही है, कहां किस तरह की घटना है, कहां कितने लोग इसमें शामिल है। अगर इसमें कोई बड़ा हाथ इसमें रंगदारी में अगर होगा उसका भी मकान गिराया जाएगा, नोटिस भी काफी तैयार कर दिया गया है। लगभग बताते चले कि 5 लोग को नोटिस अभी भेजी गई है। अभी उसकी आगे क्या कार्रवाई और बाकी है, किस तरह की कार्रवाई और होनी है, वो प्रशासन ही तय करेगा। अगर इसमें हम जो अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड में जो आया है, लगभग 51 के ऊपर नाम दर्ज है, 30 से 35 लोग का अज्ञात है और 32 लोग की जो है गिरफ्तारी अभी तक हुई है। जी आशुतोष, कोई भी कार्यक्रम होने से पहले पीस कमेटी की बैठक की जाती है, पीस कमेटी की बैठक भी हुई, उसके बाद ऐसी घटना हो गई, क्या वजह सामने आई है? जी कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़ी लापरवाही भी मानी जा सकती है। अगर ऊपर से भी कोई आदेश आता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे CM हो, चाहे योगी हो, कोई भी हो, DIG तक भी हो, वो धार्मिक कार्यक्रम त्योहारों से पहले एक बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, जनता को अपील करिए, जनता को आप समझाइए, जनता को बताइए किस तरह आप त्योहार मनाएंगे और उनको आश्वासन दीजिए इस तरह की कोई लापरवाही अब मत करिएगा, शांतिपूर्वक ढंग से त्योहार अपना मनाइएगा। अगर कहीं इस तरह की लापरवाही होती है, कोई समस्या होती है, आप प्रशासन को सूचित करिए। अगर प्रशासन उस पर अगर नहीं खड़ा है तो फिर उस पर जनता उस पर कार्रवाई ले सकती है, लेकिन
कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने मिल रही जो इतनी बड़ी घटना हुई है वहां पर। जी आशुतोष, इस पूरे मामले पर पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए हैं, एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगे हैं। जी बिल्कुल बता रहे, जिस तरह मुस्लिम समुदाय का जो कहना हो रहा है, ये वारदात घटना जो है वाकई ही जो है बड़ी घटना है। मुस्लिम समुदाय का बार बार ये अपील है, जिलाधिकारी से भी आके मिले हैं और चर्च के विषय में जो सुनने में आया है, कह रहे हैं हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे और अगर जिलाधिकारी हो गया, कप्तान हो गया, कोई भी हो गया, अगर वो सब लोग हमारी बात नहीं मानते हैं तो इसको आगे चल के हम प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, ये उनका कहना हो रहा है। जी आशुतोष, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की अभी पूरी बात खुल के नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन का ये कहना हो रहा है जो इस घटना को अंजाम दिया है हम उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर आप वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा आपने, उसमें जो है लंबो बल्दी राय थाना क्षेत्र के जो एसओ रहे वो बकायदा जो है माइक से अपना अनाउंस किए हैं, जो कोई घटना को अंजाम दिया उसको हम कार्य से सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करेंगे और जय श्री राम के नारे के साथ जो है हम उसको जो है वहां पे जेल भेजेंगे, उसको उनका पूरा हम धार्मिक मुद्दा जो है खत्म कर देंगे, जिस हिसाब से उनका कहना हो रहा था। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।